धनतेरस पर बनने वाला है एक दुर्लभ योग और कुछ राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल का विशेष महत्व होता है। सभी ग्रह आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं और इस दौरान एक से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, जिससे कई तरह के दुर्लभ योग का निर्माण होता है। इसके अलावा एक राशि में ही कई ग्रहों की युति होने से भी राजयोग बनते हैं। आपको बता दें, इस साल धनतेरस पे भी ग्रहों की युति होने से शुभ राजयोग का निर्माण बन रहा है। इस साल 29 अक्टूबर को धनतेरस है और इस दिन त्रिग्रही योग, त्रिपु शकर योग, इंद्र योग, वैधृति योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का महासहयोग बनेगा। धनतेरस पर शुभ योग बनने से कुछ राशि के जातकों को अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं इस धनतेरस पर किन किन राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर बना योग बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इस धनतेरस पर आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, जिससे आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले जातकों को नई नौकरी के अच्छे अवसर हासिल हो सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार में लगे हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो सकता है। ग्रहों की शुद्ध दृष्टि से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। बात करेंगे तुला राशि की। धनतेरस पर ग्रहों के सहयोग से बना योग तुला राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके द्वारा किसी बनाई गई योजना को सफल किया जा सकता है। निवेश संबंधी कार्यों में अच्छा धन लाभ अर्जित करने में आप कामयाब होंगे। आपको इस दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं। कारोबार में कोई अच्छी डील हासिल होने से आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए धनतेरस पर ग्रहों के शुभ सहयोग से आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। आपकी आय में बढ़ोतरी के योग हैं। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी के अवसर भी प्राप्त होंगे। सरकारी नौकरी की प्राप्ति के सपने भी इस बीच पूरे हो सकते हैं। भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। धनतेरस में दिवाली में आपको लक्ष्मी माँ की अच्छे से पूजा करनी है। सच्चे मन से पूजा आराधना अगर आप करेंगे तो निश्चित ही आप सभी के ऊपर लक्ष्मी माँ अपना आशीर्वाद जरूर बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।